माटी कला बोर्ड ने दिवाली के अवसर पर माटी कला मेले की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन खादी तथा ग्राम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। ये मेला 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को चलेगा। मेले के साथ साथ 5 दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की जा रही है। ये मेला यूपी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड परिसर में लगाया गया है। मेले में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए शिल्पकार और कारीगर स्टॉल लगाकर मिट्टी से निर्मित अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पहुंचे अतिथियों ने माटी कला उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी के साथ साथ माटी कला उद्योग के कलात्मक प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। मेले के बारे में बताते हुए राकेश सचान ने कहा कि ये मेला इसलिए शुरू किया जा रहा है जिससे दिवाली में चाइनीज आइटम पर अंकुश लग सके। देखिए, ये आज़ादी के अमृत काल में अमृत महोत्सव के चलते आज हमारे माटी कला बोर्ड के द्वारा 75 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका अभी आज उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे प्रदेश से जो भी हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, जिनके द्वारा ये काम किया गया है, जो बनाया जा रहा है उत्पाद है, उनके सारे स्टॉल लगे हुए हैं। इनको प्रोत्साहित करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए और दिवाली में चाइना का माल रोक करके कम से कम माटी कला बोर्ड के द्वारा जो बनाए गए दिए हैं और गणेश लक्ष्मी हैं और जो पूजा के जितने भी आइटम हमारे माटी कला बोर्ड के द्वारा बनाए गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में बिके, क्योंकि सदियों से माटी के बर्तनों का उपयोग हम लोग करते चले आए हैं। और चूँकि बीच में हमारे कुछ प्लास्टिक के आ जाने से इन बर्तनों के उपयोग में कुछ कमी आई, जिससे इससे जुड़े लोगों को रोजी रोटी से भी नुकसान होने लगा, तभी 2018 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया। और उसका उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का यही था कि इसमें जितने भी जुड़े लोग हैं, उनका हुनर और उनकी कला मरने न पाए और उनको रोजगार से जोड़े रखना है। तो माटी कला बोर्ड का जब गठन हुआ 2018 से, इसके बाद माटी कला बोर्ड ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो जुड़े लोग थे उनको चिन्हित किया, लगभग 46,000 लोगों को चिन्हित किया। उसके बाद पूरे प्रदेश में एक ऑर्डर किया गया कि इन लोगों को पट्टे दिए जाएँ, तो उनको लगभग 30,000 लोगों को हम लोगों ने पट्टे भी दिलाए, ताकि उनको मिट्टी आदि का दिक्कत ना हो, मिट्टी आदि मिलती रहे। तो इससे माटी कला बोर्ड के गठन के बाद से हमारे इस माटी कला के द्वारा जो काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे इसके विपणन की व्यवस्था और इसमें हम लोग उनको चाक भी देते हैं फ्री में, ये गणेश लक्ष्मी की जो मूर्तियां हैं इनके सांचे भी दे रहे हैं, अभी जो ये बरके बन रहे हैं जिनको कुल्हड़ बोलते हैं उनका भी आप देखिए सांचा चल रहा है। तो इस तरह से माटी कला बोर्ड के गठन के बाद हमारे अध्यक्ष के द्वारा और पूरे माटी कला बोर्ड में जितने भी लोग थे उनकी मेहनत से आज उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड आगे बढ़ रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि माटी कला बोर्ड का गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है। दीपावली त्योहार में चूंकि सबसे ज्यादा हमारे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो इसलिए पूरे 75 जनपदों में 3 दिवसीय मेला हमारा लगेगा, जहां दिए, कलश और मिट्टी के गणेश लक्ष्मी इनकी बिक्री हम लोग कराएंगे, ताकि चाइना का जो गणेश लक्ष्मी लोग प्रयोग करते थे वो न करके हमारे लोकल उत्पाद के मिट्टी के उत्पाद को लोग प्रयोग करें और सुविधा से उनको उपलब्ध हो जाए। इसलिए हर जनपद में मेला लगेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी है कि ये हर घर पहुँचे। और हर हमारा आपके माध्यम से अनुरोध भी है प्रदेशवासियों से कि हमारे माटी कला बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी लोग हैं उनको दिए और हमारे कलश और जितने भी बर्तन हैं मिट्टी के उनको खरीदने का काम करना चाहिए। डेली इंसाइडर के लिए लखनऊ से दिनेश सिंह की रिपोर्ट।
यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।